प्रणाम मित्रों, मैं और मेरी पुस्तकें इस श्रृंखला में आज मैं बात करूंगा आपके साथ अपनी पुस्तक स्वयं को और दूसरों को पहचानने की कला। जी हाँ, इस पुस्तक का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो ही अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव है, यानी स्वयं को और दूसरों को पहचानने की कला। क्योंकि हम अपने बारे में कुछ नहीं जानते और ना ही हम सामने वाले के बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हम अपने आप को जानें। हम अपने पास नहीं बैठते, अपने आप का विश्लेषण नहीं करते, अपने को कभी भी टाइम नहीं देते, तो हम चूक जाते हैं, हम सामने वाले पे उलझे रहते हैं। लेकिन सामने वाले पर उलझने के बावजूद भी दिन भर 24 घंटे हम उसको नहीं समझ पाते, तो ना तो हम खुद को समझ पाते क्योंकि टाइम नहीं दे पाते खुद को, और ना ही हम दूसरे को समझ पाते। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को भी समझें और दूसरे को भी, क्योंकि दूसरे के साथ फिर हम चाहे एक छत में, एक घर के नीचे रहें या एक ऑफिस में साथ के टेबल पे काम करें, हम पहचान नहीं पाते सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, वो कितने दिन तक साथ रहेगा, क्या होगा, कैसा उसका व्यवहार है, कैसा उसका व्यक्तित्व है। ये हमें आगे चलकर पता चलता है, कई धोखे खाने के बाद, कई नुकसान के बाद पता चलता है। तो क्यों ना कोई ऐसी तरकीब हो, ऐसी तरीका हो, ऐसी पुस्तक हो जिसके माध्यम से, उसके इशारों से हम ये जान सके कि हम खुद कैसे हैं और सामने वाला कैसा है। आपको हैरानी होगी परंतु ये सच है। मैंने अपने लंबे शोध के बाद, फिर वो ज्योतिष के माध्यम से हो या मनोविज्ञान के माध्यम से हो या डे टू डे रीडिंग रिसर्च के माध्यम से, ये पुस्तक हमको खुद के बारे में भी जानना बताती है और सामने वाले को जानना भी समझाती है। हाँ, ये बात भी सही है कि हम पूरी तरह तो किसी को कभी नहीं जान सकते, लेकिन हम कुछ इशारों से, कुछ संकेतों से, उसकी हरकतों से, उसके व्यवहार से, उसके बातों से, उसके चाल चलन से कई अंदाजे लगा सकते हैं। वो अंदाजे ही नहीं होते, बहुत नजदीक होते हैं हकीकत के, जो हमें इशारा करते हैं कि सामने वाला इंसान ऐसा होगा या ऐसा होता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो इस पुस्तक में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हम जान सकते हैं हमारी कई सारी आदतें, यानी आप आदतों के माध्यम से स्वयं को और सामने वाले को पहचान सकते हैं। कैसे, वो इस पुस्तक में है। रंगों के माध्यम से, कौन सा रंग आपको पसंद है या कौन सा रंग सामने वाले को पसंद है, यदि ये आपको पता हो तो आप जान सकते हैं। हम पुस्तक कैसे पढ़ते हैं, यस, आपको जानकर हैरानी होगी, पुस्तक पढ़ने का भी एक ढंग होता है। हम लिखते कैसे हैं, हम पढ़ते कैसे हैं, हम हस्ताक्षर कैसे करते हैं, हम इस ढंग से भी अपने आप को और सामने वाले को पहचान सकते हैं। और तो और, आपकी राशि क्या है, सामने वाले की राशि क्या है, आपका जन्मदिन का अंक क्या है, उसका जन्मदिन का अंक क्या है, आप किस वार को पैदा हुए, यानी संडे मंडे ट्यूसडे, वो किस वार को पैदा हुआ है, इसके माध्यम से भी आप अपने को और सामने वाले को जान पहचान सकते हैं। इसके साथ साथ सामने वाला किस ढंग से आपकी बातों को सुनता है, सुनने का ढंग क्या है, बैठने की मुद्रा क्या है, चलने का ढंग क्या है, सोने का ढंग क्या है। आप हैरान होंगे कि हमारा सोने का ढंग, बोलने का ढंग, बात करने का ढंग, बैठने का ढंग, यहां तक कि खुजाने तक के भी ढंग हमारे ऐसे होते हैं जो बहुत इशारा देते हैं। और ये अपने आप में बहुत नायाब पुस्तक है और मेरी बहुत पुरानी पुस्तक है, तो यदि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे इशारे मिलेंगे, संकेत मिलेंगे। उसके बाद आपकी आंखें कैसी हैं, आपके होंठ कैसे हैं, आपके कान कैसे हैं, आपके नाखून कैसे, नाखूनों का रंग कैसा है, हथेलियों का रंग कैसा है, बाल कैसे हैं, बालों का टेक्सचर कैसा है, इतनी बारीक बारीक माइन्यूट चीजें, आंखें, आंखों की पुतलियों का रंग, ये सब कुछ आपको आपके बारे में और सामने वाले के बारे में जानने में उपयोगी, मददगार साबित होती है। साथ ही साथ हम बात करें, जैसे हमारे हथेलियां हैं, हथेलियों का रंग है, उनपे लकीरें हैं, उनके उठाव हैं, जबकि एक सामुदिक शास्त्र का भी पार्ट है, तो आप कह सकते हैं ये जो पुस्तक है मनोविज्ञान, ज्योतिष, सामुदिक शास्त्र, अंक शास्त्र, इन सबसे मिलकर बनी हुई है। इस पुस्तक की खासियत और है कि इसके अंदर कम से कम 30-40 मनोवैज्ञानिक टेस्ट हैं, जी हाँ, जिनको पढ़कर उसमें 15-20 क्वेश्चन दिए होते हैं, जो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, सही गलत का निशान लगाएंगे और अंत में अपना विवरण, अपना परिणाम उस विवरण के अनुसार जान सकते हैं। जैसे आप कितने सकारात्मक हैं,
जिससे हमको लगता है कि हम बहुत सकारात्मक सोचते हैं, बहुत धैर्यवान हैं, अपने बारे में हम बहुत अच्छा अच्छा सोचते हैं, लेकिन वास्तव में हम हैं कि नहीं। तो उन सब के बारे में आप जान सकते हैं, जैसे कितने सकारात्मक हैं, कितना धैर्य आप में, कितना आलसी है आप, कितने संतुलित आप हैं, कितने संवेदनशील हैं, आपका नजरिया कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, कितने मिलनसार हैं, कैसे पति हैं आप, कैसे पत्नी हैं आप, कैसे पेरेंट्स हैं आप, कैसे दोस्त हैं आप, कितने कॉन्शियस हैं आप, कितने टेबल्स मैनर्स हैं आप में, क्या वाकई आप तन्हा हैं, कितने दीवाने हैं, कितने बोल्ड हैं आप, कितने वेल्ड मैनर्ड हैं, कितने तनाव से घिरे हुए हैं, कितने अंधविश्वासी हैं, कितने मजाक के पात्र हैं, या कितने अपने आप में फिट हैं, कितने चालाक हैं, कितने बुरे हैं। ऐसे कई सारे सवाल हैं, ऐसे व्यक्तित्व के कई सारे पहलू हैं जिनके प्रश्न हाँ और ना में आपको उत्तर देना है, और वो सब इस पुस्तक में सम्मिलित है। और उस उत्तर के आधार पे आप अपने आप जांच लेंगे, या सामने के वाले को अपने आप परख लेंगे कि सामने वाला किस तल पर है, मैं किस तल पर हूं। तो फिर वह आपके निजी संबंध हो या व्यवहारिक, आप सामने वाले को, आप खुद को पहचान सकते हैं, भविष्य में होने वाले धोखे से आगाह हो सकते हैं। यह पुस्तक डायमंड प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। यह ऑनलाइन विभिन्न वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, जिसे आप मंगवा सकते हैं। आप प्रकाशक द्वारा डायरेक्ट भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी वीडियो के अंत में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आशा है आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ेंगे और अपने आप को और दूसरों को पहचानने की कोशिश अवश्य करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।